प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। उपचारात्मक शिक्षण कक्षा 8वीं विषय हिंदी बच्चों। तो आज बच्चों हम विशेषण का दूसरा भेद लेने जा रहे हैं। पहला भेद हम गुणवाचक विशेषण पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। अब दूसरा जो विशेषण है वह है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। तो आज हम जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है और किस तरह से वाक्य में प्रयोग करते हुए हमें पता चलेगा कि ये संख्यावाचक विशेषण है। तो बच्चों आज हम चित्र के माध्यम से कुछ उदाहरण यहाँ पर दिखाएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि संख्यावाचक विशेषण कैसे वाक्य में आता है। अब दो चित्र दिए हुए हैं। एक में हमने आम गिनकर लिख दिया दो आम। आगे हम आम को गिन नहीं सकते इसलिए हमने कुछ आम लिख दिया। अब आगे बच्चों, एक तरफ 6 केले हैं। आपको पता है आधा दर्जन 12 वस्तुएं हो तो 1 दर्जन। अब सामने वाले केले गिन ना पाने के कारण हमने कुछ केले उन्हें लिख दिया, क्योंकि इसकी संख्या हमें पता नहीं चल रही है, कोई निश्चित संख्या हम इसकी नहीं बता पा रहे हैं। आगे एक तरफ हमने पेंसिल 1 दर्जन गिन ली है, 12 पेंसिलें हैं। दूसरी तरफ हम उनकी संख्या को गिनने में असमर्थ है इसलिए हमने उनको बहुत पेंसिल लिख दिया कि इनको हम गिन नहीं पा रहे हैं जो सामने वाली पेंसिलें हैं, इसलिए हमने उन पेंसिल के साथ बहुत शब्द का प्रयोग कर दिया कि ये बहुत पेंसिलें हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों, अगला चित्र अब हम देखते हैं कि अगला उदाहरण क्या है। तो एक तरफ 2 विद्यार्थी हमने लिख दिया और एक तरफ हमने कुछ विद्यार्थी, जहां हम संख्या गिनने में असमर्थ रहे हमने वहां कुछ बहुत लिख दिया। अब जहां हमें संख्या पता थी 2 या दर्जन या 6 केले थे जहाँ आधा दर्जन। तो अब बच्चों जानते हैं कि ये जहाँ संख्या है निश्चित उसे क्या कहते हैं, जहाँ संख्या निश्चित नहीं है उसे क्या कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण की पहले तो परिभाषा जानते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, क निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ख अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। जहां हमारी निश्चित संख्या थी 2, आधा दर्जन, 1 दर्जन, तो वह बच्चों निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जहां हमने कुछ अधिक शब्द का प्रयोग किया तो वहां संख्या नहीं गिन पाए इसलिए वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या क्या आता है? संख्या आती है 2, 5, दर्जन, 20, 50, 100, 1000, 1,000,000। तो संख्या बच्चों आपकी कोई भी हो सकती है। तो 1 से जितनी भी संख्या है 100 तक या उससे अधिक कोई भी आ सकती है। अब यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कुछ कम ज़्यादा अधिक बहुत शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं संज्ञा या सर्वनाम के साथ तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो बच्चों आपको संख्यावाचक विशेषण समझ आ गया होगा कि एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या दी होती है और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या नहीं दी होती है, उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया होता है जो हमने उदाहरण में लिखे हैं। अब हम वाक्यों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास 5 पेंसिलें हैं, मुझे 1 दर्जन केले चाहिए, मुझे 20 पेन चाहिए, फिर मुझे कुछ आम दीजिए, मैं कम पेंसिलें खरीदता हूँ, मुझे ज़्यादा पुस्तकें चाहिए, वह बहुत अधिक पेंसिलें खरीदना चाहता है। तो ऐसे भी हम इनका प्रयोग वाक्यों में कर सकते हैं। तो गृह कार्य के रूप में आप सभी विद्यार्थी ने भी
निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाने हैं बच्चों। तो ये आपके लिए गृह कार्य है, इसे आपने साफ सुथरा और सुंदर तरीके से कॉपी में लिखना है।